रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। आज पहुंचे हैं जगदम्बा वर्ल्ड बैंक में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खूनदान कैंप का आयोजन किया गया है। युवा पहुंचे हैं, बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उन्होंने इस जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, तो उनसे जानकारी प्राप्त कराएंगे कि आज कितना जो खूनदान है उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया है जगदम्बे वर्ल्ड बैंक में। आप देखने लाए रहे हो मेरे पीछे, पूरा का पूरा जो जगदम्बे वर्ल्ड बैंक है, पूरा हरियाणा ही नहीं बाहर भी इनकी पहचान है और खूनदान के लिए तत्पर रहता है। तो युवा मोर्चा के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूरी जानकारी प्राप्त कराएंगे कि आप देखो कि किस तरह से एक यूनिट खून तीन जिंदगियां बचा सका है। भाई साहब राम राम। राम राम। तो आज यहां पर खूनदान का जो कैंप लगाया गया है, क्यों लगाया गया है और किसके लिए लगाया गया है? देखिए, आज के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भारतीय युवा मोर्चा ने पूरे भारत में ही ये प्रोग्राम आयोजन किए गए हैं। तो हमारे यहाँ टोहाना विधानसभा में युवा मोर्चा की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें सारी ग्रामीण मंडल की टीम और सारी शहरी मंडल की टीम एक साथ जुट के मिलके यहाँ बहुत अच्छा आयोजन किया गया जिसमें अब तक 51 यूनिट यहाँ आ चुकी है और शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और भी बहुत सारी यूनिट यहाँ आएगी। तो जैसे कि आपने बताया युवा मोर्चा बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है, क्या ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे किया गया और भी किसी के जन्मदिन पे या किसी और कार्यों पे जो के प्रोग्राम होते हैं उन पर भी इस प्रकार का आयोजन किया जाता है? देखिए, भारतीय युवा जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमेशा ही सक्रिय रहता है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमेशा ही चलते रहते हैं उनके, दो चार महीने में, महीने बाद, हफ्ते बाद, जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है वो करते रहते हैं जी, और उसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा दायर करते हैं। तो आपने इस प्रोग्राम का आयोजन कराया है युवा मोर्चा बीजेपी ने, तो और लोगों से, युवाओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम सभी युवा से यही अपील करेंगे जी, नशा से बच के रहे, और खूनदान एक रक्तदान ऐसा दान है जो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मच्छरों और मूर्खों को अपना खून चुसाने की बजाय आप खून दान करें और तीन जिंदगियां इससे बचाई जा सकती है। अब कई लोगों को ये भ्रम पैदा होता है कि जी ब्लड देने से वीकनेस तो नहीं आएगी, कमजोरी आएगी, ये पूरी एक व्यस्क पूरे स्वस्थ आदमी के शरीर में सिर्फ 470 ml जो ये ब्लड होता है इसकी यूनिट जाती है, जो पूरी शरीर के टोटल जो ब्लड है उसका 8% ही मात्र होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये महीने दो महीने में दोबारा से रिकवर होता है और इससे जो ब्लड डोनेट करता है उसके भी बॉडी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, स्वस्थ रहता है। सब क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह। खूनदान किया आज आपने? हाँ जी। कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया जी। तो किस अवसर पर आज आपने खूनदान किया? भाई प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे खुशी हुई, दिल से खून देंगे। पहले भी खूनदान किया? हाँ, पहले किया बहुत बार। तो क्या अपील करेंगे जो आप युवा हैं और युवा है जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं? देखो, क्या सबसे बड़ी बात है कि खून देने से ना, खून वैसे देना चाहिए इंसान को, बोलते हैं ना वीकनेस आती, वीकनेस कोई नहीं आती, ज़्यादा नहीं तो 10 दिन में ही इंसान बढ़िया फील करता है, अपने आप को फिटनेस हो जाती है, बढ़िया सिस्टम हो जाता है। ऐसी बात में लोग वैसे कहते हैं कि खून नहीं देना चाहिए, देना चाहिए खून, और मैं तो सभी युवा से अपील करूँगा कि बढ़ चढ़ के भाग ले इस चीज़ में। सर क्या नाम है आपका, क्या बताएंगे? रमन भाटिया, मेरा नाम है रमन भाटिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा टोहाना विधानसभा के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप जगदम्बे ब्लड बैंक टोहाना में लगाया गया है, ठीक है, जिसमें लगभग 50 के आसपास यूनिट इस टाइम हो चुकी हैं। और मैं तो युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नशे के मार्ग को छोड़कर रक्तदान की ओर कदम बढ़ाएं और दूसरे युवाओं को भी प्रेरित करें। आजकल समाज में नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यही अपील करना चाहूँगा। और कोई इससे कोई वीकनेस नहीं आती, ब्लड डोनेट करने से एक भ्रम है लोगों में कि वीकनेस आती है, मैं खुद 46 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो कहाँ से मैं वीक लगता हूँ, आपको देखो कोई वीकनेस नहीं आती है इससे। आपको देखा गया है कई बार वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं जी, जो बैंक हैं उनके साथ भी आप जुड़े रहते हैं जी। हमारी एक संस्था है जनसेवा ब्लड ग्रुप जी, उसमें क्या है, एमरजेंसी ब्लड डोनेट करवाते हैं। एमरजेंसी यानी कि किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है उन्हें, तो उनके पास ब्लड बैंक में ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे पास कॉल करते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पे ब्लड बैंक में सभी के पास है ही हैं, वो हमारा नंबर दे देते हैं, हमारे पास कॉल आती है कि हमें ये ग्रुप चाहिए, इस ग्रुप के इतने डोनर चाहिए। हम पहले कोशिश करते हैं उनके परिवारजनों में से ही कोई ब्लड डोनेट करना करे तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं होता परिवार से तो उसके बाद हम संस्था की तरफ से जो हमारे टीम है उसमें से ब्लड डोनर भेजते हैं और उनका एमरजेंसी ब्लड जो है डोनेट करवाते हैं।
थैंक यू सर इस प्रकार की जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से टोहाना का युवा बूथ आगे निकल चुका है, क्योंकि आज जो समाज सेवा, हम इसको समाज सेवा कहेंगे, क्योंकि एक यूनिट से 3 जिंदगियां बचाई जा सके हैं। और आज बीजेपी के युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ताकि जिनको एमरजेंसी में खून प्राप्त नहीं होता उनको खून प्राप्त हो सके, मिल सके और वो अपनी जिंदगी जी सके। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।